बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। होप सो यू ऑल आर फाइन। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने 1.3 कवर की थी। नेक्स्ट हम 1.4 की तरफ मूव करेंगे, जहां मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन देखेंगे कि कालबों को ज़रब कैसे दी जाती है। लेकिन उस पर जाने से पहले हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, ताकि आप फर्दर अपडेट्स जो हैं वो गेन करते रहें। चलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास जो है उन्होंने पूछा है कि कौन से मैट्रिक्स या कालब आपस में ज़रब खा सकते हैं, किन दो कालबों को आप ज़रब दे सकते हैं। तो ये आपके पास देखें, एक कालब दिया हुआ है 1-1, 0, 2, दूसरा -2 और 3 दिया हुआ है। मल्टीप्लिकेशन उस सूरत में पॉसिबल है अगर पहले का ऑर्डर आपके पास क्या है, 2x2 है। मीन हम पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं। दूसरे का ऑर्डर आपके पास या मरतबा क्या है, 2x1 है। इसमें भी आप रो फर्स्ट लिख रहे हैं, कॉलम बाद में लिख रहे हैं। इसमें अगर जो आपके पास पहला कॉलम है या मैट्रिक्स है उसका कॉलम और जो दूसरा मैट्रिक्स जिसे आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो उसका कॉलम से उसकी रो सेम हो, तो देन वो दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, मल्टीप्लाई। पहले का कॉलम और दूसरा जिसे आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसकी रो अगर सेम हुई तो देन ही दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो इनमें कॉलम और रो सेम है तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर देखें, 2x1 है। मीन इसकी दो रो है, एक कॉलम है। सेकेंड मैट्रिक्स जिससे वो मल्टीप्लाई हो रहा है उसका ऑर्डर 2x2 है। अब फर्स्ट वाले की जो कॉलम है वो 1 है और जो सेकेंड है उसका जो रो है वो क्या है, 2 है। दोनों हमारे पास सेम नहीं है तो इनकी मल्टीप्लिकेशन हमारे पास पॉसिबल नहीं होगी। अगले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इसमें आपके पास पहला मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, 2 रोज है, 3 कॉलम है। और जो सेकेंड मैट्रिक्स है उसकी 3 रोज है और 2 कॉलम है। यहाँ फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स की रो सेम है, इसका मतलब इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास ए और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपको पार्ट दिया हुआ है कि आपने ए बी और बी ए फाइंड करना है अगर वो पॉसिबल है। ए को बी से मल्टीप्लाई करवाना है। ए का देखिए ऑर्डर क्या है, 2x2 है और बी का ऑर्डर 2x1 है। फर्स्ट का कॉलम और सेकेंड की रो सेम है तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कैसे करवाना है, रो को कॉलम से करवाना है। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, दरमियान में प्लस लगाएंगे और 0 को 5 से करवाएंगे। इसी तरह सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, -1 को 6 के साथ, +2 को 5 के साथ। इनको सॉल्व करके t+0 -6+10 that is 18 4, तो ए और बी का आंसर आपके पास क्या आया, 18 और 4 आया। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं जिसमें बी ए, बी को ऐसे मल्टीप्लाई करवाना है। मीन आपने बी मैट्रिक्स पहले रखना है और ए बाद में रखना है। बी को देखिए ऑर्डर, बी का ऑर्डर आपके पास क्या है, 2x1 है और ए का ऑर्डर 2x2 है। इसमें फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स की रो सेम नहीं है तो इसका मतलब इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करने हैं मैट्रिक्स के। इसमें आपके पास फर्स्ट कॉलम 1 2 और सेकेंड जो मैट्रिक्स आपके दिया हुआ है वो 4 0 दिया है। मल्टीप्लाई कैसे करना है, रो को कॉलम के साथ, 1 को 4 के साथ, दरमियान में +2 को 0 के साथ, तो 4+0 4। इसी तरह 1 2 को 5 4 के साथ, 5 -8 -3 -3 0 को 4 0 के साथ, रो को कॉलम के साथ, -12+0 that is -12। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, 6 को 4 के साथ, 24 -0 तो 24। फिफ्थ में आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 -2 3 0 6 -1 4 5 0 -4, रो को कॉलम के साथ, रो को कॉलम के साथ, देन रो को कॉलम के साथ। इसी तरह रो को सेकंड कॉलम के साथ बारी बारी करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 4+0 -12+0 24 -0 5 -8 -15 -0 30+4 4 -12 24 -3 -15 और 34, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे 4 पे मूव करते हैं। 4 में भी इसी तरह मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन दी हुई है और हमने उनको मल्टीप्लाई करना है। पार्ट 1 में है, इसमें आपके पास मैट्रिक्स किस ऑर्डर का दिया हुआ है, 3 रोज है, 2 कॉलम है
और सेकंड क्या है, 2x2 है, रो और कॉलम सेम है इसमें, उसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन सेम उसी तरह फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ इसी तरतीब से उसको फॉलो करेंगे, और दरमियान में हमेशा हमने प्लस लगाना है। मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट 4+9 -2+0 2+3 -1+0 0 -6 0 -0 रिजल्ट 13 5 -6 -2 -1 और 0। 4 का सेकंड पार्ट है, इसमें आपके पास ऑर्डर क्या है, 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, इसी तरह यहाँ क्या है, 3 रोज हैं और 2 कॉलम हैं, तो आपके पास 3 और 3 सेम है, मीन फर्स्ट का कॉलम और सेकंड की रो सेम है, तो रिजल्ट में आपको जो मैट्रिक्स मिलेगा वो 2x2 ऑर्डर का होगा। यहाँ से ये भी आप पता चला सकते हैं कि आपको किस ऑर्डर का मैट्रिक्स रिजल्ट में मिलेगा, क्योंकि ये जो चीज़ बचेगी वो ऑर्डर आपका मल्टीप्लिकेशन के बाद वाले मैट्रिक्स का होगा। अब रो को कॉलम से करते हैं, 1+6 -3 4+15 -6, इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2+8+3 और इसी तरह 8+20 और +6 रिजल्ट 4 13 13 एंड 34। इसके फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं, फोर्थ पार्ट में हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो कौन सा है, ए का, दोनों 2x2 ऑर्डर के हैं, तो इसका मतलब इनका भी सेम है तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। 8 5 6 4 2 -5/2 -4 और 4 सेम रूल चलेगा, रो को कॉलम के साथ 16 -20 इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 12 -16 इसी तरह 8 × -5/2 and +5 × 4 6 × -5/2 + 4 × 4 रिजल्ट 16 2 8 4 8 -20 + 22 3 6 -15 + 16 रिजल्ट -4 0 -4 and 1। फिर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, उसमें कुछ प्रूफ है वो करने हैं। फर्स्ट पार्ट में ए बी इज इक्वल टू बी ए आपने प्रूफ करना है, उसके सिंपल मल्टीप्लिकेशन हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड में हमारे पास ए इंटू बी सी विच इज इक्वल टू ए बी इंटू सी, ये जो है ये जितनी भी दी हुई है आपको मैट्रिक्स की एक्चुअली प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, तो ये भी मैट्रिक्स की एक ही प्रॉपर्टी है। लेफ्ट हैंड साइड पे हमने पहले ए इंटू बी सी है, मीन आपने पहले बी सी को मल्टीप्लाई करना है, उसका जो रिजल्ट आएगा उसको ए से मल्टीप्लाई करना है, तो हम बी सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। बी और सी दोनों 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं, रिजल्ट में भी हमें 2x2 ऑर्डर ही मिलेगा, तो सेम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, रो को कॉलम के साथ 2+2 1+6 इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट और सेकंड कॉलम के साथ -6 -5 -3 -15 रिजल्ट का आया 4 7 -11 और -18। अब बी सी का जो रिजल्ट है उसको हमने क्या है, ए से मल्टीप्लाई करना है, जिस तरह आपको क्वेश्चन दिया हुआ उसी तरतीब को आपने क्या करना है, फॉलो करना है। अब ए को बी सी से मल्टीप्लाई करवाना है, 8 -1 3 2 0 और बी सी आपके पास 4 7 -11 और -18 है, -4 -33 इसी तरह 8 -0 इसी तरह -7 -54 and 14 -0 रिजल्ट आपके पास क्या बनेगा लेफ्ट हैंड साइड का, -37 -61 8 and 14। अब राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं, राइट हैंड साइड में आपने क्या करना है, ए बी पहले फाइंड करना है, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो रिजल्ट आएगा उसको सी से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम ए बी को पहले मल्टीप्लाई करवा देते हैं, -1 3 2 0 1 2 -3 और 5 तो रिजल्ट हमारे पास -1 -9 इसी तरह 2 -0 और अब इसको सेकंड कॉलम के साथ -2 -15 and 4 and -0 तो रिजल्ट क्या आया, ए को बी से मल्टीप्लाई करने पर -10 2 -17 और 4। अब ए बी का जो रिजल्ट है उसको हम सी से मल्टीप्लाई करवाएंगे, सी से मल्टीप्लाई करवाने के बाद रिजल्ट हमारा क्या बनेगा, -20 -17 4+4 -37 and 8 इसी तरह सेकंड कॉलम के साथ -10 -51 and 2+12 -61 14। देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमारे पास सिमिलर है, एक जैसी है, और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना। फिफ्थ के फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं, फोर्थ पार्ट में हमने क्या करना है, a × b - c विच इज इक्वल टू ab - ac। इसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं कि ए बी पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ab - ac। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसमें क्या है, a को b - c से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें पहले क्या चाहिए, b - c। अब हमने सब्ट्रैक्शन देखी थी, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो b - c हम कर लेंगे,
कैसे करेंगे, सेम पिछला रिजल्ट फॉलो करेंगे, मीन एंट्रीज वाइज इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, फर्स्ट में से फर्स्ट, सेकंड में से सेकंड, थर्ड में से थर्ड और फोर्थ में से फोर्थ को माइनस करेंगे. 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1, 2 माइनस 1 1, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8. अब इस b माइनस c को हमने क्या करना है, a से मल्टीप्लाई करना है. दोनों 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के जो है वो मैट्रिक्स है, मल्टीप्लीकेशन उसी तरह रो को कॉलम के साथ, माइनस 1 माइनस 12 माइनस 2 माइनस 0, इसी तरह आप रोज को सेकंड कॉलम के साथ माइनस 1 माइनस 24 एंड 2 माइनस 0. तो लेफ्ट हैंड साइड का आपके पास रिजल्ट क्या आया, माइनस 11 माइनस 2 माइनस 25 और 2. अब हम जो है हम राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं. राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए बी माइनस ए सी. तो पहले हम ए बी फाइंड आउट करेंगे. ए को बी से मल्टीप्लाई करवाया, माइनस 1 माइनस 9 माइनस 2 माइनस 15, 2 माइनस 0 4 माइनस 0, रिजल्ट माइनस 10 माइनस 17 2 एंड 4. AC निकालेंगे, AC माइनस 2 प्लस 3 4 प्लस 0, इसी तरह माइनस 1 प्लस 9 2 प्लस 0. तो रिजल्ट क्या आया, 1842. AB में से AC को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सब्ट्रैक्शन की, सब्ट्रैक्शन के बाद रिजल्ट माइनस 11 माइनस 24 माइनस 2 एंड 2. सेम रिजल्ट जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का है वही हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड का. यही नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड और फर्स्ट पार्ट सिमिलर है, हम सेकंड पार्ट की तरफ चलेंगे. बी और सी मैट्रिक्स है. बी आपके पास 1 2 माइनस 3 5, सी माइनस 2 6 3 और माइनस 9 है. अब हमने प्रूफ क्या करना है, बी सी का अगर आप ट्रांसपोज लेते हैं तो ट्रांसपोज लेने के बाद सी का ट्रांसपोज पहले ओपन होगा देन बी का ट्रांसपोज. इसका ये मतलब ये भी आपके पास एक तरह से रिजल्ट ही है कि अगर आप दो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हो तो बाद वाले का ट्रांसपोज पहले आएगा और पहले वाले का बाद में आएगा. लेफ्ट हैंड साइड पर चले बी सी का होल ट्रांसपोज लेना. उसके लिए हमें पहले क्या चाहिए, बी सी. बी को सी से मल्टीप्लाई करवाया, रिजल्ट क्या बना, माइनस 2 प्लस 6 प्लस 6 माइनस 15, 6 माइनस 18 माइनस 18 प्लस 45, 4 माइनस 12 माइनस 9 और 27. अब हमने क्या है, बी सी का ट्रांसपोज लेना. ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में कर देते हैं कन्वर्ट. 4 माइनस 12 माइनस 9 और 27, ये लेफ्ट हैंड साइड है. राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं. राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, सी का ट्रांसपोज और देन बी का ट्रांसपोज. तो हमने सी का ट्रांसपोज ले लिया, वो क्या आया, माइनस 2 3 6 और माइनस 9 और बी का ट्रांसपोज 1 2 माइनस 3 और माइनस 5. अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे. मल्टीप्लाई करवाया, मल्टीप्लाई करवाने के बाद रिजल्ट माइनस 2 प्लस 6 6 माइनस 15 6 माइनस 18 माइनस 18 प्लस 45 दैट इज 4 माइनस 9 माइनस 12 और 27. दोनों साइड सेम है, सिमिलर है. तो यही हमने प्रूव करना था. आज का हमारा लेक्चर यही एंड होता है. फर्दर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी. हम जो भी आपकी क्यूरीज हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें. जो है